हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बीएससी थर्ड ईयर के मॉलिकुलर बायोलॉजी पेपर का, बायोटेक पेपर जो है। और ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है बैक्टीरियल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब चूँकि ये मॉलिकुलर बायोलॉजी का एक टॉपिक है और डिटेल के अंदर है, इसलिए हमें हर शब्द का अर्थ भी आना चाहिए। बिना हर शब्द का अर्थ जाने या बिना बेसिक नॉलेज के हम इस टॉपिक को डिटेल के अंदर नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ अपन पहले बात करते हैं टॉपिक के अर्थ से ही कि इस टॉपिक का अर्थ क्या है। ठीक है ना, यहाँ दो वर्ड नए हैं, एक नया वर्ड है, कौन सा? जीनोम। जीनोम से क्या मतलब समझते हैं आप, या जीनोम किसको बोलेंगे? अगर एक इसकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दे अपन, तो जीनोम का मतलब है अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन ऑफ अ पर्टिकुलर एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी जीव के अंदर जितना भी उसके जीन्स है, कंप्लीट सेट उस जीन्स का, वो सभी क्या कहलाएगा? उसका जीनोम कहलाएगा। ठीक है ना, अब बात कर रहे हैं अपन बैक्टीरियल जीनोम और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। क्या जीवाणु के जो जीनोम यानी कि उसकी जो सारी जीन्स हैं वो किस तरीके से एक बैक्टीरियल सेल में ऑर्गेनाइज है, इसका हमें अध्ययन करना है। तो इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, हम छोटी क्लासेस से हैं, जैसे हम 10th क्लास में या 8th से लेकर 10th क्लास में भी आजकल हम देखते हैं कि, या इससे भी छोटी क्लासेस में भी प्रोकैरियोट जो है वो शब्द आने लग गया है। तो प्रोकैरियोट का अगर हम बेसिक मीनिंग बताएं, जो आप नॉर्मली जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रीवियस टाइप का, या जिसमें न्यूक्लियस से बिफोर संरचना, बिफोर एक्चुअली प्रो कैरियन मतलब न्यूक्लियस, और प्रो मतलब न्यूक्लियस से बिफोर, या प्राक केंद्र की, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको अपन, प्राक केंद्र की। यानी ऐसा केंद्रक जो सत्य केंद्रक नहीं हो, प्राचीन प्रकार का केंद्रक हो, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और उसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है प्रोकैरियोट्स की, या किन को अपन प्रोकैरियोट्स बोलेंगे? ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिसमें नहीं हो, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स नहीं हो, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं हो, न्यूक्लियोलस नहीं हो, यानी कि एक केंद्रक कला नहीं हो, केंद्र के चारों तरफ जो घेरने वाली केंद्रक कला नहीं हो, केंद्रक द्रव्य नहीं हो, इसके अंदर केंद्रिका नहीं हो, इस सब वो कहलाता, ऐसा न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहलाएगा। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब तक हमने जो नॉर्मली डीएनए के बारे में पढ़ा है, यूकैरियोटिक डीएनए के अपन देखते हैं कि यूकैरियोट का जो डीएनए है वो क्रोमोसोम रूप में अरेंज रहता है, और किसी जाति के अंदर क्रोमोसोमिक संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। और ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर ही डीएनए जो लिपटा हुआ क्रोमोसोम के रूप में है, इसके अंदर कई सारी जीन्स होती है, यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम पर अलग अलग सेट ऑफ जीन्स हो सकते हैं। और ये जो सेट, मैं सेट क्यों बोल रहा हूँ सेट ऑफ जीन्स, क्योंकि यूकैरियोटिक जीव जो है वो मेनली कैसे होते हैं? डिप्लोइड होते हैं, जिसमें से एक सेट ऑफ जीन्स किससे आता है? फादर से, और एक सेट ऑफ जीन्स किससे आता है? मदर से, यानी कि मेल और फीमेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स की बात करें अपन, तो प्रोकैरियोट्स में मेनली डीएनए जो होता है उसमें केवल एक ही जीन का सेट होता है, इसीलिए जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो मेनली कैसे हैं? हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें केवल एक सेट ऑफ जीन्स है, और ये अपनी कॉपी करके ही क्या करता है? अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अपन जब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन वो एक सेपरेट मैकेनिज्म है। यहाँ मेनली कैसा है, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इन सभी के अंदर जो इसकी जीन्स का एक ही सेट है। तो यहाँ ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बन जाता है, क्योंकि जहाँ यूकैरियोट की अगर अपन बात कर रहे हैं उसमें डीएनए जो है वो क्रोमोसोम रूप में पैकेज रहता है, ठीक है ना, और इस क्रोमोसोम रूप में पैकेज रहने के लिए क्या चाहिए? हमने हमेशा एक प्रोटीन के बारे में पढ़ा है जिसको अपन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना, और हिस्टोन या फर्स्ट ईयर के अंदर आपके
सेल बायोलॉजी के अंदर जो टॉपिक था डीएनए पैकेजिंग, जिसमें अपन देखते हैं कि हिस्टोन, अलग अलग हिस्टोन प्रोटीन H1, H2, H3, H4, और इन सब के दो दो यूनिट मिलकर ऑक्टामर बनाते हैं। और इस ऑक्टामर या 8 प्रोटीनों के ऊपर ढाई कुंडल में, 1, 2 और 1.5 कुंडल, ढाई कुंडल के अंदर डीएनए क्या होता है, अरेंज होता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलते हैं। और न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है वो अल्टीमेटली पैकेजिंग होता है वह इसके फोल्ड सोलेनोइड और सोलेनोइड के बाद में इसके फोल्ड मेथड से, और अल्टीमेटली किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। लेकिन अगर अपन बैक्टीरिया की बात करें, देखो बैक्टीरिया बिल्कुल एक अलग जीव है यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ अपन देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर ये जो हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है कहाँ पर। तो यहाँ अपने पास में एक बैक्टीरिया का स्कीमेटिक डायग्राम अपन ने बनाया, जिसमें देखते हैं कि सबसे बाहर की तरफ कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर होती है इसके ऊपर, और इस कैप्सूल से छोटी छोटी पिल्लाएँ लगी हुई रहती है, दो बड़ी फ्लैजिलम होती है, अंदर की तरफ सेल वॉल, सेल वॉल की तरफ अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वही एक जगह पर इनफोल्डेड होकर मीजोसोम जैसी संरचना बनाती है, और इस मीजोसोम या इसके नियरेस्ट क्या होता है, इसका मेन क्रोमोसोम होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड किसने नाम दिया, मैसन एंड पावलसन ने 1956 के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के द्वारा और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के द्वारा, ऑटो रेडियोग्राफी और फेज कंट्रास्ट माइक्रोग्राफी के द्वारा ईकोलाई जो बैक्टीरिया उसके डीएनए का एक कंप्लीट जो इसका मेन क्रोमोसोम था उसका एक डायग्राम दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, जो लगभग इस तरह से दिखाई देता है। और ये जो क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये मुक्त रूप से अथवा मीजोसोम से जुड़ा हुआ मिलता है, यानी किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इन्होंने न्यूक्लियोइड नाम दिया, ठीक है ना। केंद्रकाभ, केंद्रक के समान आभा वाला, हिंदी में बोलते हैं केंद्रकाभ, केंद्रक के समान आभा, लेकिन केंद्रक है नहीं, इसलिए ये क्या है, न्यूक्लियोइड है, जिसको अपन ने मेन क्रोमोसोम नाम दिया। अब ये जो क्रोमोसोम है ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मुक्त रूप से है, तो ये पैकेज्ड कैसे होता, पैकेज का मतलब क्या हो गया, हम जो आज का टॉपिक मेन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, कि ये संगठित कैसे हो रहा है। अगर हम देखें इस क्रोमोसोम को बैक्टीरिया के एक लीनियर फॉर्म के अंदर खोल दें, कि ना लीनियर फॉर्म में खोले, तो कम से कम ये 500 से 1000 गुना बड़ा, यानी बैक्टीरियल सेल से 500 से 1000 गुना बड़ा होगा ये डीएनए। तो इतना बड़ा डीएनए जो है इस छोटी सी सेल के अंदर एक जगह पर कैसे पैकेज होता है, वही अपने आप में क्या कहलाएगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, संगठन कहलाएगा, या इसकी पैकेजिंग कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग कहलाएगा। तो ये जो पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग अपने आप में क्या कहलाती है, सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग, इसको समझने के लिए हम एक वर्ड लेते हैं, सुपर कॉइलिंग। अभी अपन आगे आएंगे कि कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ हम बात कर रहे थे किसकी, डीएनए के मेन क्रोमोसोम की। इसके अलावा अपन देखते हैं कि बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसके अतिरिक्त भी जेनेटिक मटेरियल मिलता है। जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक जीवों में उसके मेन क्रोमोसोम के अलावा या मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी मिलता है, जो सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है और लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है। ये नॉर्मली प्लाज्मिड के रूप में होते हैं, जिनके ऊपर नॉन कोडिंग जीन्स ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है, या पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया दर्शाने वाले जीन, जैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, स्ट्रेस रेसिस्टेंस जीन है, ये किसके ऊपर मौजूद होते हैं, इनके एक्स्ट्रा क्रोमो अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, जो कि यहाँ पर अपन दिखा रखा है किसमें, प्लाज्मिड के रूप में दिखा रखा है। तो ये एक सेपरेट टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे, आज अपन केवल इसके मेन क्रोमोसोम जो है, इस मेन क्रोमोसोम की पैकेजिंग कैसे होती है। अब अपन वापस आते हैं इसके ऊपर ही, अपने सुपर कॉइलिंग के ऊपर। तो पहले अपन ने बात कर ली किसकी, कि जीनोम क्या है, देन प्रोकैरियोटिक जीव क्या है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, डीएनए सुपर कॉइलिंग की बात कर रहे हैं। तो पहले तो हमें डीएनए का पता होना चाहिए कि डीएनए कैसा है।
वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए का, वो डीएनए कैसा था? राइट हैंडेड डीएनए, ठीक है ना। अब राइट हैंडेड डीएनए का मतलब क्या हो गया? जिसके कॉइल्स जो या जिसके कुंडल जो है वो कुंडल किस तरह से है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब समझते हैं ना, घड़ी की दिशा के अंदर, जैसे अपन इस तरह से चल रहे हैं घड़ी की दिशा के अंदर, या अगर मैं इस तरह से लूँ तो ये घड़ी की दिशा के अंदर होगा, ठीक है ना। ये होगा कौन सा? क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसके जो कुंडल बनते हैं डीएनए के, वो कैसे होते हैं? क्लॉकवाइज डीएनए कुंडल होता है। अब सुपर कॉइलिंग से क्या मतलब? डीएनए का तो कैसे है? हेलिक्स रूप में, और हेलिक्स भी कैसे हैं? क्लॉकवाइज रूप के अंदर। अब सुपर कॉइलिंग को समझने से पहले अपन देखते हैं कि आजकल तो मोबाइल फ़ोन आपके पास में, लेकिन अगर किसी ने पुराना फ़ोन या ऑफिसेज के अंदर पुराना फ़ोन देखा होगा, क्रेडल वाला फ़ोन है ना, हैंडल वाला या क्रेडल वाला फ़ोन जो होता है, उस फ़ोन में आप देखा होगा तार जुड़ा हुआ रहता है, और वो तार कैसा होता है? इस तरह से कॉइल्ड होता है, इस तरह से कॉइलिंग। अगर हम उसको सीधा खींचे तो वो तार काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन कॉइल रूप में वो तार बहुत छोटा सा रहता है। इसका मतलब एक बड़ी चीज़ को अगर अपन लगातार कॉइल करते जाएं, और कॉइल के बाद में इस कॉइल को एक दूसरे के ऊपर दोबारा कॉइल कर दें, और तीसरी बार कॉइल कर दें, तो क्या होगा? कॉइल के ऊपर कॉइल, कॉइल के ऊपर कॉइल, और एक छोटी सी बॉल के रूप में ये बन जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। तो यहाँ जो डीएनए है, वो डीएनए बैक्टीरिया का जो डीएनए या बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम जो बैक्टीरियल सेल से 500 से 1000 गुना बड़ा होता है, वो सुपर कॉइलिंग मेथड के द्वारा इस डीएनए के अंदर पैकेज रहता है, सुपर कॉइलिंग मेथड के द्वारा। अब सुपर कॉइलिंग में भी किस प्रकार की कॉइलिंग? पॉजिटिव कॉइलिंग या निगेटिव कॉइलिंग? क्या मतलब हुआ इसका, पॉजिटिव या निगेटिव कॉइलिंग का? देखो, अभी मैंने बताया कि जो ओरिजिनली भी डीएनए था, जिसको वॉटसन क्रिक ने मॉडल दिया था, वो कैसा था? राइट हैंडेड मॉडल। राइट हैंडेड का मॉडल का मतलब जिसमें डीएनए के जो हेलिक्स है, यहाँ मैंने एक मॉडल को उसको बता रखा है, एक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम से। यहाँ आप देखो कि ये घड़ी की दिशा के अंदर इस तरह से कुंडल कैसे बढ़ रहे हैं? इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल क्या कहलाएगा? राइट हैंडेड। या इसकी वजह से जो डीएनए स्ट्रक्चर आती है अपने सामने, वो डीएनए स्ट्रक्चर कैसी होगी? राइट हैंडेड, यानी कि कुंडल जो है वो राइट हैंडेड बने हुए हैं। इसी तरह से लेफ्ट हैंडेड, अगर उल्टा कुंडल चले इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट हैंडेड डीएनए कहलाएगा। अब यहाँ अपन बात कर रहे हैं कॉइलिंग की, राइट हैंडेड कॉइलिंग या पॉजिटिव कॉइलिंग। पॉजिटिव कॉइलिंग का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव कॉइलिंग से पहले अपन देते हैं कि ये जो डीएनए है बैक्टीरिया का, जो डबल हेलिक्स है, यानी कि जो द्विसूत्री डीएनए है, ये द्विसूत्री डीएनए एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर रहता है, ठीक है ना। और नॉर्मल अवस्था में ये सर्कुलर फॉर्म कैसा होता है? रिलैक्स्ड अवस्था में। सर्कुलर फॉर्म कैसा रहेगा? ये रिलैक्स्ड अवस्था में इस तरह से रहता है, नॉर्मल अवस्था में, ठीक है ना। अगर अपन इसको खोल दे पूरा, तो ये नॉर्मल कहलाएगा, रिलैक्स्ड डीएनए कहलाएगा। अब ये जो सर्कुलर डीएनए है, ये अपने आप के ऊपर कॉइलिंग होता है, स्वयं के ऊपर कॉइलिंग होता है। तो पॉजिटिव कॉइलिंग तो किसमें बोलेंगे? जिसमें इसके कुंडल इस तरीके से बने कि वो घड़ी की दिशा के अंदर एक दूसरे के ऊपर कॉइल होते, वो बनेगा तो इस तरह से संरचना, एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग होगा। लेकिन इसके कुंडल कैसे होंगे, जिसमें अपन देखते हैं कि कैसे होगा इसके कुंडल? राइट हैंडेड कुंडल होंगे, इस तरह से फोल्डिंग होगा। तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कॉइलिंग, यानी कि जिस तरफ डीएनए के कुंडल है उसी के पैरेलल क्या होंगे? इसके कुंडल भी बनेंगे, इसके हेलिक्स भी बनेंगे। तो ये तो कहलाएगा पॉजिटिव कॉइलिंग। अब निगेटिव कॉइलिंग का मतलब क्या हो गया? कि जिस तरफ डीएनए के हेलिक्स है, यानी कि किस तरफ है? क्लॉकवाइज, उससे उल्टा क्या होगा? एंटी पैरेलल ये जो कॉइलिंग बनेगी वो कैसी होगी? उससे उल्टी। और इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? निगेटिव कॉइलिंग, यानी कि जिस दिशा के अंदर, घड़ी की दिशा के अंदर डीएनए की कॉइलिंग हो रखी है, डीएनए के हेलिक्स बन रखे हैं, उससे उल्टी दिशा में अब नीचे की तरफ ये क्या होगा? कॉइलिंग होगा। इसीलिए निगेटिव कॉइलिंग को एक और वर्ड बोलते हैं अपन, अंडरवाइंडिंग। अंडरवाइंडिंग का क्या मतलब हुआ? कि चूंकि अभी तो ये सीधे कॉइल चल रहा है, और जब उल्टा कॉइल चलेगा
ठीक है ना, तो ये नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम होगा। इसी तरह से जो पॉजिटिव कॉइलिंग है जिसमें इसकी दिशा के साथ में ही कॉइलिंग होती है तो वो क्या कहलाएगी, अपने ओवर वाइंडिंग कहलाएगी। ये अंडर वाइंडिंग, निगेटिव तो कहेगी अंडर वाइंडिंग, और ये होगी ओवर वाइंडिंग। मतलब समझे आप, एक बार वापस समझाता हूँ कि जो डीएनए के हेलिक्स है, कुंडल जो है, जो अपना डीएनए का वॉटसन क्रिक का मॉडल पढ़ा, उसके अंदर जो हेलिक्स है वो हेलिक्स कैसे बने हुए हैं, घड़ी की दिशा के अंदर, ठीक है ना। और चूंकि बैक्टीरिया का डीएनए कैसा है, एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, जैसे ये सर्कुलर फॉर्म है, ठीक है ना, इस सर्कुलर फॉर्म के अंदर अगर घड़ी की दिशा के अंदर कुंडल बनते जाएंगे, यानी कि जिस तरफ डीएनए के हेलिक्स है उसी की दिशा में और कुंडल बनते जाएंगे इस तरह से घड़ी की दिशा में, तो ये डीएनए तो कहलाएगा पॉजिटिव कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, कॉइलिंग तो था ही था, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। और एक और नाम इसको क्या बोलेंगे, ओवर वाइंडिंग, यानी कि डीएनए की दिशा में ओवर वाइंडिंग हो रहा है, इसके ऊपर ही वापस वाइंड हो रहा है। जबकि निगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब है कि ये सर्कुलर डीएनए है जिसमें ओरिजिनली डीएनए कैसा है, राइट हैंडेड डीएनए, ठीक है ना, अब इसके एंटी पैरेलल यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा के अंदर इस तरह से कॉइलिंग होगा। और चूंकि इस तरह से कॉइलिंग होगा तो कॉइलिंग नीचे की तरफ बनेगी, तो वो कैसी होगी, अंडर वाइंडिंग। इसीलिए इसका एक और वर्ड क्या है, अंडर वाइंडिंग। और इस तरफ की कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग को क्या बोलेंगे अपन, निगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है ना। तो पहले तो वर्ड का मतलब समझ गए कि सुपर कॉइलिंग क्या है, निगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या है। अब अपन बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, कि बैक्टीरियल सेल के अंदर मेनली अब तक मैकेनिज्म को जो इसमें 80% 90% बैक्टीरिया के अंदर जो कॉइल सुपर कॉइलिंग है वो कैसी होती है, निगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है, ठीक है ना, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा के अंदर हेलिक्स के ऊपर वापस कुंडल बनते हैं, डबल हेलिक्स के ऊपर, ये कहलाएगा निगेटिव सुपर कॉइलिंग। अब बात करते हैं कि ये कॉइल तो बन गए, लेकिन इसको अपनी जगह पर फिक्स कैसे रखा जाए, अपनी जगह पर फिक्स कैसे रखा जाए। यूकेरियोट के अंदर तो क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, जिसके ऊपर ये इसकी बैकबोन बनाते हैं, इस पैकेजिंग की बैकबोन बनाते हैं। इसको और इजीली समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में घर के अंदर थ्रेड रोल होता है, धागे की गट्टी जो होती है, धागे का रोल जो होता है, उसके अंदर अपन देखते हैं खोखली कागज की नलकी होती है, नलिका होती है, उस नलिका के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ रहता है। तो अगर मैं इस थ्रेड रोल की तुलना किससे करूँ, क्रोमोसोम से करूँ, तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए तो ये पूरा का पूरा थ्रेड रोल तो क्या हो गया, क्रोमोसोम, इसके ऊपर जो लिपटा हुआ धागा है वो क्या हो गया, डीएनए हो गया। और इस धागे को पूरा खोल दे तो ये धागा किसके ऊपर लिपटा हुआ है, किसकी सहायता से ये एक फॉर्म के अंदर आया, एक क्रोमोसोम फॉर्म के अंदर आया, एक रोल के अंदर, वो क्या है, अंदर की तरफ कागज का जो रोल है जिसने इसकी बैकबोन बनाई, तो वो कागज का रोल क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन है। यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट में, क्योंकि प्रोकैरियोट अपन बोलते ही किसको है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है, ठीक है ना, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। तो इसका मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर इस डीएनए को सुपर कॉइल करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होने चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, NAP, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। और इन प्रोटीन में भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सा है, HU प्रोटीन, हिस्टोन अनलाइक, यानी हिस्टोन के जैसा, हिस्टोन अनलाइक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है लेकिन हिस्टोन के जैसा, इसलिए इसको अपन HU प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो HU प्रोटीन है, ये प्रोटीन ही, इसकी अलग अलग यूनिट है, जैसे अपन देखते हैं HUPA है, HUPB है, और इसी तरह से और प्रोटीन है, इसके अलावा भी HLP प्रोटीन है, H प्रोटीन है, एंड HNS प्रोटीन है, इसी तरह से कुछ और प्रोटीन्स भी होती है, जैसे फैक्टर फॉर इन्वर्जन स्टिमुलेशन FSI, FIS, फैक्टर फॉर इन्वर्जन स्टिमुलेशन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जस्ट लाइक हिस्टोन प्रोटीन के एक मॉडल बनाती है, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर अपन देखते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसको अपन बीट्स ऑन क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अगर थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा इसको समझने के लिए अपन को यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग को भी, जहां हम देखते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन था, इन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए डाई कुंडल के रूप में, फिर अगले स्टोन प्रोटीन के ऊपर, फिर डाई कुंडल के अंदर, फिर अगले स्टोन के ऊपर, डाई कुंडल के ऊपर, और इसको अपन बोलते हैं लिंकर डीएनए बीच की, ठीक है ना। अब ये जो मॉडल, ये तो होता है न्यूक्लियोसोम मॉडल, इसी की तरह से
ऐसे कैसे 8 जो न्यूक्लियोसोम है वो आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, सोलेनोइड मॉडल का, और सोलेनोइड फिर आगे और ज़्यादा पैकेजिंग होकर किसका निर्माण करता है, स्केफोल्ड का, स्केफोल्ड मॉडल का निर्माण करता है, और वो अल्टीमेटली किसका निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम अगर यहाँ से इसको खोलते जाएँ तो ये पहले स्केफोल्ड आएगा, स्केफोल्ड के बाद में सोलेनोइड मॉडल, और सोलेनोइड के बाद में न्यूक्लियोसोम मॉडल, और न्यूक्लियोसोम के बाद में सारे जो केवल डीएनए जो अपन को दिखाई देगा। बहुत कॉमन डायग्राम जो किसी बुक में तुम्हें दिख जाएगा या इंटरनेट पर तुम्हें दिख जाएगा अगर तुम देखोगे डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। अब चूंकि वहाँ पर तो हिस्टोन प्रोटीन्स थे, लेकिन यहाँ क्या बात कर रहे हैं अपन, प्रोकैरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होकर हिस्टोन अनलाइक प्रोटीन या एचयू प्रोटीन जो है वो इसी तरह से जैसे यहाँ ऑक्टेम्बर बनते हैं, ठीक है ना, 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक न्यूक्लियोसोम का मॉडल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे यहाँ अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो सर्कुलर डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए पहले लूप्स के अंदर बनता है, लूप के अंदर बनता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, लूप एंकर्ड प्रोटीन इस लूप्स के अंदर बनता है। और ये जो लूप है इनको होल्ड करने के लिए, जैसे एग्जांपल है यहाँ एक 350 माइक्रोन का अपन ने क्या बना रखा है, सर्कुलर डीएनए बना रखा है। अब इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँ, पहले अंदर की तरफ, तो पहले लूप बने जिसकी साइज क्या हो जाएगी, इससे छोटी होगी क्योंकि ये कंप्रेस हुआ है, लूप अंदर की तरफ हो गए, यहाँ से ये लूप हो गया, यहाँ से ये लूप हो गया, तो क्या हो गया, डीएनए छोटा हुआ। जहाँ ओरिजिनल डीएनए 350 माइक्रोन का था, अब पहली बार लूपिंग होने से कैसा हो गया, ये 30 माइक्रोन का ही रह गया। लेकिन इस लूप को होल्ड कौन करके रखेगा, इस लूप को बांध कर कौन रखेगा, तो यहाँ कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एचयू प्रोटीन बोल रहे हैं या लूप एंकर्ड प्रोटीन बोलते हैं। इनका और नाम क्या है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, यानी कि कैसे ये न्यूक्लियोइड फॉर्म में आते हैं। तो न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन तो कई सारे हैं, एचयू प्रोटीन, एचएनएस प्रोटीन, एचयूपीए, एचयूपीबी, एच प्रोटीन, एचवन प्रोटीन, ठीक है ना। और यहाँ कुछ और प्रोटीन्स हैं जो इन लूप को होल्ड कर कर रखते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, लूप एंकर्ड प्रोटीन। यहाँ मैंने एक छोटा सा लूप को एनलाइज करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना, ये एक लूप है, इसी तरह से दूसरा लूप भी बनेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ फिर क्या आएगा, दूसरा लूप प्रोटीन आएगा, लूप एंकर्ड प्रोटीन, या फिर तीसरा लूप बनेगा, तो यहाँ फिर क्या आएगा, तीसरा लूप एंकर्ड प्रोटीन आएगा, ठीक है ना। तो ये पहली कॉइलिंग, ये डीएनए कैसा था, नॉर्मली सर्कुलर फॉर्म में था, ये इसकी पहली कॉइलिंग, ठीक है ना। अब कॉइल के अंदर फिर या लूप के अंदर फिर लूप बनेंगे, या इस तरह से लूप के अंदर फिर लूप बनेंगे, लेकिन ये लूप कैसे होंगे, जो अभी अपन ने बात की, निगेटिव या लेफ्ट हैंडेड, यानी कि उससे घड़ी की उल्टी दिशा में, इस तरह से ये लूप होंगे, ये घड़ी की उल्टी दिशा में लूप होंगे। तो चूंकि लूप जो था अब ओरिजिनल जो लूप था उससे और छोटा हो गया ये, और ये कैसा हो गया, अब केवल 2 माइक्रोन का ही हो गया। तो जहां 350 माइक्रोन का ये खुला हुआ डीएनए था वो अब कैसा हो गया, केवल 2 माइक्रोन का ही डीएनए हो गया, और वो आसानी से इस बैक्टीरियल सेल के अंदर पैकेज हो सकता है। तो ये जो सारी पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग ही क्या कहलाती है, बैक्टीरिया की जीनोम ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, यानी कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है जिसको अपन बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, वो न्यूक्लियोइड एक बैक्टीरियल सेल के अंदर कैसे पैकेज रहता है। अब चूंकि ये पैकेज तो हो गया, तो यहाँ इसके अपन कंपेरिजन भी करें यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक जो इसका अपन दे रहे हैं कि इतना सुपर कॉइल जो डीएनए है वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता होगा, ट्रांसलेशन कैसे होता होगा इसका, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का मतलब कोई प्रोटीन बनना, ठीक है ना। प्रोटीन जैसे बाहर की तरफ इसके लैक्टोज मीडियम के अंदर लैक्टोज, इलेक्ट्रोज शर्करा है, और अगर बैक्टीरिया को इस शर्करा को पाचित करना है तो कुछ एंजाइम बनेगा, एंजाइम अपने आप में क्या है, प्रोटीन है। तो उन एंजाइम्स को यानी उस शुगर को पाचित करने वाली एंजाइम या प्रोटीन बनाने के लिए इसको अपने डीएनए को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा, उसको अनुलेखन करना पड़ेगा, और फिर उसको ट्रांसलेट किस में करना पड़ेगा, प्रोटीन फॉर्म के अंदर। जहां हम यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और वहाँ से एमआरएनए निकलता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहाँ राइबोसोम इसकी तरफ जुड़कर क्या करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं। जबकि यहाँ अपन देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो बैक्टीरियल
क्रोमोसोम जो है वो साइमल्टेनियसली, चूंकि ये साइटोप्लाज्म में फ्री है कि ना, और चूंकि साइटोप्लाज्म में इसी समय राइबोसोम भी उपस्थित है, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों क्या होता है, साइमल्टेनियस होते हैं, एक साथ होते हैं। देन चूंकि बैक्टीरिया जो है, अगर अपन जो रिसर्च के दौरान देखा गया कि बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन जो है, बैक्टीरिया के डीएनए की कॉपी बनना, वो तो करीब 1000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है एट ए सेकेंड होता है, पर सेकेंड की बात करें अपन, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बैक्टीरियल जो रेप्लिकेशन होता है वो कितना होता है, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो रेप्लिक ये जो सुपर कोइल्ड है एक साथ पूरा का पूरा ओपन नहीं होता है, इसका कुछ पोर्शन जैसा, इसीलिए अपन देखते हैं जो इनिशियली मैसन और पावलसन ने जो डायग्राम बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के द्वारा, इसमें अपन देखते हैं प्रोजेक्शन दिख रहे हैं अपन को, लूप के प्रोजेक्शन दिख रहे हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है ना। यानी कुछ लूप खुलते हैं, अनवाइंड होते हैं, और कुछ वापस वाइंड होते रहते हैं, ठीक है ना। एक साथ पूरा डीएनए नहीं खुलता है। तो रेप्लिकेशन तो कितनी तेजी से होता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से, ठीक है ना। जबकि अगर अपन ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो एट ए टाइम 40 न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर है वो पर सेकंड इसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। तो ये होगा कैसे, एक्सेसिंग जो है इनकी सुपर कोइल को वापस एक्सेस कैसे करेंगे, उसके पास पहुंचेंगे कैसे डीएनए जो है, ठीक है ना, सुपर कोइल कैसे होंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनके लिए कुछ विशेष प्रोटीन है, जो अपन ने एच यू प्रोटीन बात किया, इनके अलावा भी कुछ विशेष प्रोटीन है जिसको अपन टोपो आइसोमेरेज प्रोटीन बोलते हैं, और टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड अपने आप में गायरेज है, जो इस कॉइलिंग को और सुपर कॉइलिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एंजाइम जो है डीएनए को एट ए टाइम खोलते हैं और वापस क्या करते हैं, बंद करने का काम करते हैं, जिससे इन डीएनए के ऊपर मौजूद सूचनाओं को पढ़ा जा सके और वापस कैसा हो जाता है, ये सुपर कॉइलिंग के रूप में बदल जाता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, सुपर कॉइलिंग एक्सेसिंग ऑफ या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है इसके अंदर। अब अगर अपन बात करें प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियोइड है वो यूकैरियोट की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट है। ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि एक तो इसकी जो साइज छोटी है, लेकिन इसके अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है वो बहुत कम होते हैं। जहां अपन देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर करीब 98% जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, जबकि यहां अपन देखें नॉन कोडिंग सीक्वेंस केवल 12% है। इसका मतलब जीन्स जो है वो ज़्यादा नज़दीक है, कुछ बेस पेयर की दूरी पर नज़दीक है, और कई जीन्स अपन देखते हैं कि एक ही प्रोमोटर से क्या होती है, अटैच्ड होती है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल इसका लैक ऑपेरोन मॉडल बैक्टीरिया का, जो गैलेक्टोज लैक्टोज जो शर्करा है उसको पाचित करने के लिए इस मॉडल कैसे एंजाइम बनाता है, उसके लिए एक मॉडल प्रदान किया था, लैक ऑपेरोन मॉडल लैक्टोज को पाचित करने वाली एंजाइम। और तीन तरह की एंजाइम बनती है, कौन कौन सी, इसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज परमीज एंजाइम और बीटा गैलेक्टोसिडेज एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ये तीनों एंजाइम्स जो है, इन तीनों एंजाइम से संबंधित जीन एक साथ जुड़ी हुई रहती है कुछ बेस पेयर दूर, ठीक है ना, और इसीलिए इसको अपन पॉलीसिस्ट्रोनिक जीनोम भी बोलते हैं ना। इसलिए बैक्टीरियल जीनोम को क्या बोलते हैं अपन, पॉलीसिस्ट्रोनिक। और ये तीनों जो सिस्ट्रोन हैं या तीनों जीन्स जो हैं वो एक ही ऑपरेट प्रोमोटर के साथ जुड़ी रहती है, जब यानी कि जब कभी भी ये ट्रांसक्राइब होगी तो ये एक साथ ट्रांसक्राइब होगी और तीनों प्रकार के एंजाइम बनाएगी। तो प्रोकैरियोट जीनोम जो है वो यूकैरियोट की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है वो मेन क्रोमोसोम्स पे नहीं होते या बहुत कम मात्रा में होती है, जबकि नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहाँ पर होंगे, इनके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, जैसे प्लाज्मिड की अपन बात करें उनके ऊपर होती है, जिनकी रेप्लिकेशन, जो अपनी रेप्लिकेशन स्वयं कर सकते हैं, वो मेन क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो अपनी प्रतिकृति स्वयं बना सकते हैं। और इन नॉन कोडिंग रीजन के साथ साथ में कुछ जीन्स और भी होती हैं जो उनको अतिरिक्त गुण प्रदान करती है, जैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की या स्ट्रेस रेसिस्टेंस की या कॉन्जुगेशन प्रोटीन
जो भी है कॉन्जुगेशन आर प्लाज्मिड सी प्लाज्मिड जिनको अपन बोलते हैं, तो ये कहलाएंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब इसका मेन क्रोमोसोम जो है या मेन जिसको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं वो यूकैरियोट की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट है। अब अपन बात कर रहे हैं इनके वेरिएशन की। ये जो न्यूक्लियोइड अपन ने बात की, जहाँ अपन ने तो किसका मॉडल लिया, इकोलाई का मॉडल लिया, जिसमें अपन देखते हैं सर्कुलर डीएनए जो न्यूक्लियोइड उसकी एक कॉपी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हमने खोज की, जैसे जैसे हमने मॉलिकुलर बायोलॉजी के बारे में जाना, हमने देखा कि कई बैक्टीरिया ऐसे मिले जिसके अंदर एक से ज़्यादा कॉपी भी इसकी हो सकती है। जैसे एक बैक्टीरिया है, एग्जाम्पल है बोरेलिया बर्जडॉर्फाई, बोरेलिया बर्जडॉर्फेरी, ठीक है ना। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया डियर टिक्स जो है, हिरणों को जो चिचड़े लगते हैं, टिक्स जो लगती हैं, उनके अंदर भी पाए जाते हैं, उनके अंदर भी रोग उत्पन्न करती है और मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करती है। तो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में करीब 11 कॉपी न्यूक्लियोइड की क्या मिलती है, 11 कॉपी मिलती है। लेकिन ये न्यूक्लियोइड जो है वो सुपर कॉइल्ड नहीं है, इकोलाई बैक्टीरिया की तरह सुपर कॉइलिंग नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं, लीनियर फॉर्म में होते हैं। इसी की तरह उसके अंदर करीब 20 से ज़्यादा कॉपी जो है वो प्लाज्मिड की मिलती है बोरेलिया के अंदर। देन बेसिलस सबटिलिस की बात करें अपन, तो बेसिलस सबटिलिस जो है वो भी लगभग इकोलाई बैक्टीरिया जैसा ही, लेकिन इसमें करीब दो, इसमें न्यूक्लियोइड की दो कॉपी मिलती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इस न्यूक्लियोइड के अंदर वेरिएशंस हो सकते हैं बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया या अलग अलग स्पीसीज के बैक्टीरिया में। किसी में एक कॉपी हो सकती है, किसी में एक से ज़्यादा कॉपी भी हो सकती है। किसी में ये सुपर कॉइलिंग रूप में होता है और किसी में ये लीनियर या सर्कुलर फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। जैसे बोरेलिया में देखा था अपन ने, ये जो 11 कॉपी होती है लीनियर फॉर्म में होती है और साइटोप्लाज्म में मुक्त रहती है। तो ये जो कंप्लीट टॉपिक था अपना, ये टॉपिक किसके ऊपर था, बैक्टीरियल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर था। हालांकि इसको अपन एक छोटी सी क्लास के अंदर इसको डिटेल में पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस छोटी सी क्लास में भी आपको, आधे घंटे की क्लास में आपको काफ़ी हद तक एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, ताकि इसको आप आसानी से समझ सकें कि कैसे प्रोकैरियोट के अंदर इतना बड़ा डीएनए जो एक छोटी सी सेल के अंदर पैकेज्ड होता है और ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम अपन लेंगे इसका एक और टॉपिक मॉलिकुलर बायोलॉजी का। तब तक इसको वापस रीड कीजिए, एक बार ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो को समझने के बाद में आप बुक से पढ़िए, इसके नोट्स पढ़िए, ताकि आपको ये और ज़्यादा समझ में आ सके। क्योंकि बोर्ड के ऊपर सारे डायग्राम बनाना संभव नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इंटरनेट पर जाकर इनके जो दूसरे डायग्राम्स हैं, कॉइलिंग के, सुपर कॉइलिंग के, या राइट हैंडेड मॉडल या लेफ्ट हैंडेड मॉडल जो है, इसको आप देखेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।